और आइए बात करेंगे मौसम की मार की। मौसम का कहर लगातार जारी है। यूपी में बारिश कम हुई लेकिन नदियों का कहर जारी है। लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आया है। यूपी के दूसरे कई जिलों में कमोबेश यही हाल है। देखिए उत्तर प्रदेश के कई जिले जो पानी से इस समय लबरेज हैं। ये लखीमपुर खीरी है, जहां भी जिधर भी नजर जाएगी सैलाबी सितम नजर आएगा। लखीमपुर में सैलाब ने इतनी तबाही मचाई कि घर डूब गए, सड़कें डूब गईं, रेल की पटरियां डूब गईं, और तो और दुधवा का जंगल भी डूब गया। अब जरा दुधवा नेशनल पार्क का नजारा आपको दिखाते हैं। पहले तो ड्रोन से रिकॉर्ड इस तस्वीर को देखिए। पूरा दुधवा पानी में डूबा नजर आएगा, इतना सैलाब यहाँ आया। अब जरा जंगल के अंदर के हालात देखिए। गजराज पानी में अटखेलियां कर रहे हैं। हाथियों का पूरा झुंड पानी को पार कर खाने की जुगत में जंगल में भटक रहा है। तो दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अफसर और रेंजर इन्हीं हाथियों की मदद से जंगल की निगरानी कर रहे हैं। इन तस्वीरों में नजारा साफ नजर आ रहा हो। और तो और गैंडा और टाइगर भी पानी में लोटपोट बचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व भी इस समय सोहेली नदी में नेपाली नदियों से आने वाले पानी से बाढ़ग्रस्त हो गया है। लगभग 75% दुधवा टाइगर रिजर्व का ऐसा हिस्सा है जो पानी से भरा हुआ है। जंगल के रहने वाले टाइगर राइनो समेत सभी जानवरों को अब ऊंचे स्थान पर जाने के लिए इस बाढ़ ने मजबूर कर दिया है। लेकिन जो जलचरी जानवर है, सर्पीय जानवर है, उनको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके बिलों में और जो उन्होंने बनाए गए खो में पानी घुस गया, जिसको लेकर बहुत से जानवरों की मौत होने की संभावना जताई जा रही है। अब जरा रिहायशी इलाकों की ओर लौटते हैं। गांव के गांव पलायन कर चुके हैं। लोगों ने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर आसरा लिया है। लेकिन इस सैलाब से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लखीमपुर में बाढ़ के पीछे साजिश, क्या खनन माफिया की करतूत से डूबे गांव? शारदा में अवैध खनन बना विकराल सैलाब की वजह? ऐसा हम नहीं बल्कि स्थानीय किसान और ग्राउंड जीरो के हालात कह रहे हैं। शारदा नदी खासकर जो पलिया कस्बा है उसमें तबाही का सबब बनी हुई है। हम शारदा पुल पे खड़े आपको दिखाने देते हैं कि शारदा नदी इसी पुल के नीचे से गुजरती है। आप विजुअल देख सकते हैं, इस समय जो पुल का हिस्सा है तो कुछ ही हिस्से में शारदा नदी बह रही है और पूरा हिस्सा खाली गुजरा हुआ है। इसका कारण जानकार लोग जो बता रहे हैं कि लगातार अवैध खनन इस पुल के किनारे किनारे करके पलिया की तरफ शारदा नदी का रुख कर दिया। लगातार अवैध खनन करने वालों ने मड पंप लगाकर इस शारदा नदी का में खनन अवैध खनन किया। नदी जहाँ बहा करती थी, मूल रूप जिसका जो हुआ करता था, वहाँ पे पानी नहीं है और कस्बे में जाके लगातार पानी हिट कर रही है। लखीमपुर खीरी में यूं तो हर साल बाढ़ आई और आकर चली गई, लेकिन इस बार जो तबाही मची उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लाइन अगर लाइन की पटाई हो जाए, रुकेगा पानी, तभी अगर वहाँ पुलिया पड़ जाती है तभी हमारे यहाँ ये क्षेत्र नहीं बचेगा। और ये आज नहीं तो आदमी वाले 10 सालों में यहाँ का आदमी भागने पड़ेगा। ये पूरी नदी यही हो जाए, नदी का रुख बिल्कुल हमारे सामने है आगे जो मरोचा के साइड से, और नदी पूरी सूखी पड़ी है, वहाँ बालू से पट गई है, वहाँ बालू है ही नहीं, उसमें पानी है नहीं, पूरी बालू से पटी पड़ी है। सबसे ज्यादा तबाही पलिया तहसील और पलिया कस्बे में फैली हुई है, क्योंकि इस बार श्रीनगर गांव के पास से पुल के नीचे से गुजरने वाली शारदा नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और इसके पीछे की वजह है अवैध खनन। जिला प्रशासन भी अवैध खनन माफिया की हरकत और बाढ़ के पीछे की संभावित वजह से इनकार नहीं कर रहा, बल्कि डीएम इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। और जो वहाँ पे जो मड पंप वगैरह और सारे माध्यमों से जो वहाँ पे किया गया है, वहाँ पे खनन मेन कारण तो वैसे खनन ही कहेंगे कि वो जगह नीची कर दी गई है, जबकि जो नदी की ठोकर भीरा से जो नदी आती थी उसकी ठोकर लगती थी यहाँ आकर, वो ठोकर काट दी गई, वो पानी सीधा पलिया की तरफ आने लगा, वो लाइन पे आता, लाइन कट जाती है, लाइन
का जो है उसके चक्कर में इधर सारा इलाका यहाँ से लेकर मजगई तक सारा डूबा पड़ा। अब जरा पड़ोसी जिले शाहजहांपुर का हाल देख लीजिए, जहाँ कल तक बेहिसाब सैलाब था, अब वहाँ से पानी घटने लगा है। नेशनल हाईवे के आसपास के इलाके अब बाढ़ से बाहर निकल रहे हैं, जबकि शहर के कुछ हिस्से अब भी डूबे पड़े हैं। शहर के 8 मोहल्लों में आई बाढ़ से हजारों मकान का घरेलू सामान खराब हुआ है। हालांकि पानी कम होने के बाद धीरे धीरे लोग घरों की तरफ लौटने लगे हैं। सुभाष नगर इतनी तबाही मचाई, लोगों ऐसे सामान छोड़ छोड़ कर नंगे पैर यहाँ से सब भागे, सब अपनी जान बचा करके भागे हैं। अच्छा, इतने कष्ट थे। कितना परिवार हाँ, था? हाँ, भैया परिवार का तो इतना हम गिनती तो नहीं कि हमने, लेकिन इतना इतने परिवार का जितने हैं सारे मोहल्ले का भागी गए यहाँ से, करते क्या। अब जरा बहराइच का हाल देखिए। सरयू नदी में अचानक पानी बढ़ने के कारण नदी के दूसरे अलग अलग छोर पर 115 लोग फंस गए। नदी के रौद्र रूप के आगे एनडीआरएफ और पीएसी के जवानों की हिम्मत भी जवाब देने लगी, लेकिन सैलाब में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए देवदूतों ने हिम्मत नहीं हारी और लहरों से लड़कर 62 जिंदगियों को बचा लिया। हालांकि अलग अलग छोर पर तमाम लोग शनिवार दोपहर तक भी फंसे थे, लेकिन सभी का रेस्क्यू जारी है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से बड़ी खबर सामने आई। दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तर तेलंगाना, ओडिशा और पूर्व मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही गुजरात में तेज हवाओं के साथ अगले 4 से 5 दिन तक बारिश होने की आशंका है। उधर पूर्वी तट क्षेत्र में रेड अलर्ट, पश्चिमी तट क्षेत्र में रेड अलर्ट, मध्य भारत में ऑरेंज अलर्ट, उत्तर भारत में येलो अलर्ट जारी रहेगा, जबकि 22 जुलाई को उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है। आज हमारी उम्मीद है मेनली बारिश रहेगी आपका साउथ छत्तीसगढ़ और ईस्ट विदर्भा में, पूरा विदर्भा में और आसपास के क्षेत्र यानी कि नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तेलंगाना और नॉर्थ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश, इन सभी जगह अति भारी वर्षा यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर तक होने की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम के चक्रव्यूह में फंसे लोगों को अभी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। यह अलग बात है कि यूपी में नदियों का जलस्तर तेजी से कम होना शुरू हो गया है, लेकिन बारिश ने वापस दस्तक दी तो मुसीबत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के मुंबई आपको लिए चलते हैं, जहां मुंबई में भी बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है, तबाही मच रखी है। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं। आफत ऐसी है कि इंसान बचाकर अपनी जान भागने को मजबूर हैं। यूपी उत्तराखंड की तरह देश के दूसरे राज्य भी बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र से गुजरात तक सैलाबी संकट से त्राहिमाम मचा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने कहर बरपाया है। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड के मसूरी में मंदिर का रास्ता भी बह गया, जिससे मॉल रोड पर मलबे का ढेर लग गया। गुजरात में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के द्वारका में भी भीषण बाढ़ आई है। जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी ही नजर आएगा। द्वारका के प्रमुख चौराहे डूब चुके हैं। द्वारका में बीते 26 घंटे में 21 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लोगों के मकान, दुकान सब पानी में डूब गए हैं। गुजरात में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये सीधे जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप जो दृश्य देख रहे हैं ये गुजरात का जो सुप्रसिद्ध मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर, और उसकी ये भूमि है जहाँ पे बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये
पिछले 24 घंटों में यहाँ पे 22 इंच से भी ज़्यादा बरसात हुई है, और उसी के चलते जहाँ आप देख सकते हैं सब जगह पे जल प्रलय है वो देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है जो यहाँ पे द्वारकाधीश के दर्शन करने भी आ रहे हैं वो सब यहाँ पानी में से ही निकल के उनको जाना पड़ रहा है। ये सीधा ओखा की ओर जाता हुआ जो हाईवे है वो पानी में दिख रहा है। इसके चलते जो लोग हैं यहाँ पे जो द्वारका में दर्शन करने के लिए आते हैं स्थानीय लोग हैं सब लोग जो बारिश के कहर से मुश्किली का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के पोरबंदर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। सड़कों से लेकर सोसाइटी तक सब डूबे नजर आए। पोरबंदर से आज बाढ़ की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर भगवान का मंदिर सैलाब की चपेट में आ गया। मंदिर के चारों तरफ जल प्रहार दिखाई देने लगा। पोरबंदर शहर में कुछ ही घंटों में लगभग 300 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई इलाके डूब गए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूब गए हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई समेत वसई, पालघर, डोबिवली, ठाणे, कोल्हापुर और कल्याण इलाके में भी कल से ही लगातार बारिश हो रही है। और इस बारिश का अंजाम भी सामने दिख रहा है। मुंबई में अंधेरी सबवे डूब गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उधर भिवंडी में जलभराव से परेशानी हो रही है, तो वसई में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। नागपुर से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। लोगों के घर डूब गए हैं। महाराष्ट्र में कई जगह डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के चलते तिलारी डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद उसके गेट खोल दिए गए। तिलाही डैम से पानी का प्रवाह बड़ी ही तेजी से गिरता दिखाई दिया। महाराष्ट्र के कोकर रीजन में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे वहां पर नदी नाले उफान पर हैं। यानी सैलाब में आधा हिंदुस्तान डूबा है। लहरों के कहर से सांसों पर संकट छाया है। इंसान आसमान की तरफ सिर उठाकर ऊपर वाले से मुसीबत कम करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन संकट के बादल अब भी आसमान में मंडरा रहे हैं। मुंबई उत्तराखंड से अब आगे बढ़ते हैं, आपको गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में बाढ़ बारिश का रौद्र रूप। नदियों में उफान, डूबे शहर और गांव। आसमानी प्रहार से मच गया हाहाकार। चारों तरफ जल प्रहार और उसके बीच में अटकी तीन जान। बारिश और बाढ़ का रौद्र रूप क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। एक दूसरे का हाथ पकड़े ये तीनों युवक मौत से जिंदगी की जंग लड़ते दिखाई दिए। गुजरात के कच्छ के मशहूर पारधुना झरने पर घूमने गए ये तीनों युवक अचानक से सैलाब की चपेट में आ गए। काफी देर तक एक पेड़ की टहनी इन तीनों युवकों की जान बचाने का जरिया बनी, और लहरों से जंग लड़ने का ये सिलसिला करीब 3 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान चीख पुकार सुन आसपास मौजूद ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े। झरने के पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद कहीं से रस्सी का इंतजाम किया गया, फिर शुरू हुआ बचाव अभियान। काफी देर तक की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे इन तीनों युवकों को बचा लिया गया। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। द्वारका में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। द्वारका के भाटिया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहाँ पानी के तेज बहाव में
एक कार फंस गई, जिसके बाद शुरू हुआ उस कार में सवार लोगों को बचाने का अभियान। मौके पर एनडीआरएफ के कई जवान रस्सी लेकर लहरों से जंग लड़ते कूद पड़े और काफी संघर्ष के बाद कार में सवार दोनों युवकों को बचा गया। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ में जामजीर झरने ने लिया रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लहरों के इस प्रचंड रूप को देखकर आसपास के लोग सहम गए। लहरों का वेग इतना तेज था कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। गिर सोमनाथ में कोटीनाथ तालुका गिर गड्डिटा तालुका की सीमा पर सिंगोड़ा नदी पर मौजूद इस झरने के तेज बहाव को देखने आसपास के लोग भी पहुंचे, जो किसी खतरे से कम नहीं।